नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या फिर स्टेटमेंट वाला प्रश्न ये बन सकता है कि विधि आयोग के क्या कार्य होते हैं और कौन सा कार्य नहीं होता है। इन तमाम प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 22वां जो विधि आयोग है, पहले तो आप लोग नंबर याद रखना, ये 22वां है विधि आयोग है, ठीक है। 22वां विधि आयोग है, इसका गठन किया गया था 21 फरवरी 2020 को। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होना था, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला है 31 अगस्त 2024 तक, ठीक है। तो ये डेट आप लोग जरूर याद रखना, 31 अगस्त 2024 तक विधि आयोग का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहला जो आयोग था वो 1955 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ थे। जबकि 22वां जो आयोग है, इसका गठन 2020 में किया गया है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी की जो नियुक्ति है वो 9 नवंबर 2022 को की गई थी। तो पहला जो विधि आयोग था 1955 में, अभी 22वां विधि आयोग है 2020 के अंदर, 21 फरवरी 2020 को इसका गठन किया गया था। यह एक गैर सांविधिक निकाय है, इस शब्द को समझिएगा। सबसे पहले गैर सांविधिक, गैर का मीन्स है कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। सांविधिक का मीन्स है कि संसद के अंदर एक जो विधेयक है उसको पारित करके इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो गैर सांविधिक निकाय है कौन सा? 22वां विधि आयोग, ठीक है। विधि आयोग पूरा का पूरा, इसका कार्य क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रासंगिक जो कानून है उनकी पहचान करना तथा निरस्त करने की सिफारिश करना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रासंगिक है कि नहीं है वर्तमान के अंदर, इसकी जांच करेगा, इसके लिए सुझाव मांगेगा और फिर जो है उसको निरस्त करने के लिए सुझाव भी दे सकता है। अगर हम लोग विधि आयोग की बात करें, तो विधि आयोग ने ही जून 2023 के अंदर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके लिए सुझाव मांगे थे, ठीक है। अब उसकी वो जांच करेगा कि वाकई में लोगों का क्या कहना है, क्योंकि हम जो है वो लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, इस प्रकार से उस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा। तो विधि आयोग आपको अच्छे से याद करके जाना है, खासतौर पर अध्यक्ष, और फिर इनका जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए, लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो भी कोई कंटेंट है, आपको लगता है कि इसको भी कवर करना चाहिए, मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। कल हम लोग जितने भी अभी तक कंटेंट आए हुए हैं, क्वेरीज आई हुई हैं, उनको हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।